सो हेलो गाइस, वेलकम ऑन इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल। मैं राकेश कुमार। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे डीडी फ्री डिश और साथ ही ब्रॉडकास्टर के पेड चैनल्स को लेकर। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पे क्या पेड चैनल्स बंद होंगे या नहीं होंगे, उसी से रिलेटेड आज कुछ अपडेट है जो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और डिटेल में आपको बताता हूं। जैसे कि दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले ही आपको बताया था, टाटा स्काई डीटीएच, एयरटेल डीटीएच साथ ही केबल फेडरेशंस ने डीडी फ्री डिश के खिलाफ ट्राई को एक एप्लीकेशन दिया था, सूचना दिया था कि डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पे पेड चैनल चलने से एज पर ट्राई रूल और एज पर जो ब्रॉडकास्टर्स के प्राइसेज है चैनल को लेकर, उनको लेकर यहाँ पर एक भेदभाव किया जा रहा है, हो ही रहा था। दोस्तों, डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पे लगभग 20 से भी ज़्यादा पे चैनल चल रहे हैं, स्टार, कलर, सोनी जी, साथ ही आई एन मीडिया और TV18, TV टुडे और साथ ही NDTV के चैनल्स, बहुत सारे पे चैनल्स अवेलेबल हैं। लगभग 20 से भी ज़्यादा चैनल है, जी नेटवर्क के भी चैनल अवेलेबल हैं। तो उसी को लेकर मेन था कि अगर जो चैनल डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल रहा है, वो चैनल के लिए कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता है। सेम उन्हीं चैनलों को प्राइवेट डीटीएच केबल टीवी के प्लेटफॉर्म पे अगर देख रहे हैं लोग, तो उसके लिए उन्हें पैसे देने पड़ रहे हैं। साथ ही दोस्तों, सभी केबल फेडरेशन और टाटा स्काई, एयरटेल जो कंप्लेन किए थे, उनमें मेन मुद्दा था जो चैनल इनक्रिप्टेड चैनल को डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पे दिखाना नहीं चाहिए एज पर ट्राई रूल। तो उसी चीज़ को यहाँ पे एक आया था, एक ट्वीट आया है जिसमें लिखा हुआ डीडी फ्री डिश नोट अ पार्ट ऑफ NTO 2.0, बिकॉज डीडी फ्री डिश जो है भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है और इसे NTO के अंतर्गत नहीं रखा जा रहा, यानी कि न्यू टैरिफ ऑर्डर है उसके अंतर्गत नहीं रखा जा रहा है, ऐसा एक ट्वीट आया है। लिखा गया है, दिस इज बिकॉज इट हैज अनइनक्रिप्टेड ट्रांसमिशन एंड देयर इज नॉट ए एड्रेसेबल सिस्टम टू विच NTO अप्लाइज। तो डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पे अगर NTO अप्लाई नहीं होता है तो यहाँ पे डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म से पेज चैनल बंद होने के चांसेस कम हो जाएंगे, बिकॉज डीडी फ्री डिश से भली भांति जान चुका है कि पे चैनल, साथ ही कोई भी FTA चैनल से अगर डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पे चलता है तो डीडी फ्री डिश को, प्रसार भारती को करोड़ों रुपए की इनकम होती है, बिकॉज एक एक चैनल के लिए 7-7 करोड़, 5-5 करोड़ रुपए लोग देते हैं एक एक साल के लिए, तब वो चैनल डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलता है। अब यहाँ ब्रॉडकास्टरों ने अपनी मोनोपोली क्रिएट कर दिया है कि उन्हें प्राइवेट डीडीएच केबल टीवी पे उन्हीं चैनलों के लिए पैसे ले रहे हैं और डीडी फ्री डिश पे पैसे देकर उन चैनलों को चलाया जा रहा है, बिकॉज डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पे चलने से ये हो जा रहा है दोस्तों, उन चैनलों के एडवर्टीजमेंट काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है, उनकी चैनलों की रीच बढ़ जाती है, जिससे एडवर्टाइजर भी उन्हें अच्छे खासे अमाउंट दे देते हैं और उसी चीज़ को एज अ कैरेज फी के तौर पे आप डीडी फ्री डिश को बोल दीजिए दे देते हैं, और प्राइवेट डीटीएच केबल टीवी से समझ लीजिए उनका जो अर्निंग होता है उनका मेन बेनिफिट हो जा रहा है एक तरीके से। इन सभी मुद्दों को लेकर ये जो बहस चल रही थी टाटा स्काई, एयरटेल, साथ ही इंडिया के AIDCF और जो MP के लायंस क्लब करके, और सब लोगों ने इसके खिलाफ करा है। अगर नया प्रसार भारती या ट्राई की तरफ से ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन आता है कि अगर डीडी फ्री डिश को NTO के अंतर्गत नहीं रखा गया तो तब तो कोई भी एलिगेशन लगा पाना डीडी फ्री डिश पे मुश्किल हो जाएगा। अगर इस पे कोई बीच का रास्ता निकलता है तो भी पॉसिबिलिटीज़ है, या इसके अलावा सबसे जो बेस्ट चीज़ होगा इसमें, ना ही ट्राई को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, ना ही किसी MSO को हस्तक्षेप करना पड़ेगा इसमें। अगर ब्रॉडकास्टर्स यहाँ पे अगर अपना ब्रेन यूज करते हैं, वहाँ से अगर पेज चैनल अपने आप अगर वो निकाल लेते हैं तो सारा मामला ही सॉल्व हो जाएगा। बट देखना ये होगा दोस्तों, आने वाले टाइम पे ब्रॉडकास्टर के अपने चैनल्स को निकलवाते हैं या ट्राई कोई नया अपडेट देता है इसको लेकर कि डीडी फ्री डिश NTO का पार्ट रहेगा या नहीं रहेगा। फिलहाल जो अपडेट है उसमें माइट भी ये NTO का पार्ट नहीं रह सकता, जिस वजह से इस पर ज़्यादा डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पर प्रेशर नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर कुल मिलाकर देखा जाए तो ब्रॉडकास्टरों के ही है कि ब्रॉडकास्टर अगर वहाँ फ्री दे रहे हैं, अगर पे प्लेटफॉर्म पर भी फ्री कर देते हैं तो एक तरीके से बात आधी दब जाएगी। उसके बाद भी अगर लोग फ्री करने के बाद भी अगर डीडी फ्री डिश का सब्सक्राइबर इंक्रीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें फिर ब्रॉडकास्टों की गलती नहीं मानी जाएगी, अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल ओपिनियन है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बहुत लोग इस बात से बुरा भी मानेंगे मे भी। लेकिन अगर ये चैनल स्टार, कलर, सोनी जी वाले जो इंपॉर्टेंट चैनल है जो लोग देखना पसंद करते हैं, इन पर पुराने सीरियल्स आते हैं, तो अब वो सब चीज़ डीडी फ्री डिश पर अगर लोग देखने को मिल रहा है तो सब्सक्राइबर बेस इंक्रीज होते जा रहा है, उन्हें ब्रॉडकास्टों का फ़ायदा हो रहा है, एडवर्टीजमेंट मिल रहा है और डीडी फ्री डिश को सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं, साथ ही कैरेज फी भी मिल रहा है। तो होप सो आने वाले टाइम पे जो भी अपडेट आएगा इसको लेकर वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। तो बने रहिए इसी के साथ, इस वीडियो को एंड कर रहे हैं, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे कर लीजिए, और जो डिजिटल ट्रेडिंग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स लॉट। सब्सक्राइब कीजिए इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल को, साथ ही दोस्तों
बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। धन्यवाद।